उसके बाद रूम में छोड़ने जाना है। उसके बाद है अकाउंट सेक्शन, इट मेनली इंक्लूड अकाउंट ऑफिस कैशियर एंड नाइट ऑडिटर। बोलता है अकाउंट सेक्शन में क्या कैशियर होगा जो पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हैंडल करेगा, और नाइट ऑडिटर है। नाइट ऑडिटर का काम क्या होता है, नाइट में होटल की पूरी जिम्मेवारी नाइट ऑडिटर की होती है, कोई किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, बिल वगैरह हैंडल करना, रिजर्वेशन करना, इसी का काम होता है नाइट में। और इनकी क्या नाइट ऑडिटर की ड्यूटी परमानेंटली नाइट की होती है, शिफ्ट में चलती है, डे में नहीं होती। नाम से क्लियर है नाइट ऑडिटर। द नाइट ऑडिटर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ फ्रंट डेस्क रिसेप्शन एज वेल एज अकाउंटिंग। रिसेप्शन का काम भी देखेगा ये, अकाउंटिंग का काम भी देखेगा ये, तब नाइट शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व हैंडलिंग कम्युनिकेशन अमंग वेरियस अदर डिपार्टमेंट एंड वेयर आल्सो। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत करना, कम्युनिकेशन फ्रंट ऑफिस टू कम्युनिकेट करेगा, इंटरनल कम्युनिकेट भी करेगा, एक्सटर्नल भी करेगा। कल आपको बताया था मैंने, इंटरनल कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो होटल के इंटरनल डिपार्टमेंट में होती है, तो जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात करनी है, फ्रंट ऑफिस वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात करेंगे, हाउसकीपिंग में बात करेंगे, होटल के इंटरनल में जो बातचीत होगी इंटरनल कम्युनिकेशन, और होटल के बाहर जो बात होगी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बताया था कल की ट्रैवल एजेंसी के साथ होगी, ट्रैवल एजेंसियों के साथ होगी, कॉर्पोरेट ऑफिस में होगी, एयरलाइंस के साथ होगी, इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक।